और उन सब भाइयों को कहा है कि भाई आप कोई लड़ना चाहते हो तो आप लड़ो, मुझे कोई परेशानी नहीं, मैं आप लोगों के साथ में हूँ, और यदि कोई ऐसी राय बनती है वो मुझे कहते हैं कि आप लड़ो तो मैं तो सबसे आखिर में हूँ। मैंने कह दिया कि भाई आप जब सब कह दोगे कि आप में से कोई लड़ना नहीं चाहता है तो फिर यदि आप सब मेरे साथ रहोगे, मेरे साथ खड़े रहोगे, सब मुझे समर्थन दोगे, तब मैं कोई कदम उठाऊंगा। तो सब आपके जो समर्थक हैं उनमें एक सवाल यहाँ बार बार उठ रहा था कि आपकी आर्थिक स्थिति दो चुनाव लड़ने के कारण कमज़ोर है, दूसरी तरफ ऐसा विधायक है जो हजारों करोड़ या सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च कर सकता है। क्या आप मानते हैं कि स्थानीय मतदाता पैसे को देख करके वोट देने की स्थिति में आ गया? जो मेरी सूचनाएं आप लोगों के पास में ज़्यादा होती है, जो मेरी सूचनाएं हैं जी उसमें ये कि इस वर्तमान विधायक ने जगह जगह पैसे रखवा दिए, ये इसने अपनी सारी फील्डिंग कर ली है, और क्योंकि इसको पार्टी की टिकट चाहिए नहीं थी तो सारा अपना इसने इंतजाम बहुत पहले कर लिया, ये बहुत एडवांस में चल रहा है, ऐसी सूचना है मेरे पास में। आपने कहा कि डॉक्टर कर्ण सिंह जो दे रहे हैं काफी साल समर्थ लिया, ऐसा क्या कारण रहा? अब कर्ण सिंह जी आपका एक शब्द तक नहीं बोलते आपके नाम का, क्या कारण है ऐसा? ये तो डॉक्टर साहब से पूछे आप, कर्ण सिंह जी से पूछे आप। नहीं, आपका नाम क्यों नहीं लिया उन्होंने? नहीं लिया आपका नाम, बात ये है ना कि आप इसका समर्थन कर रहे हैं भाई, ये तो वो जाने ना, डॉक्टर साहब जाने। अगर टिकट में बदलाव होता है और बस्तीराम को मिलते तो क्या आप उनको समर्थन करेंगे? वो उनके लिए धरना दे रहे हैं दिल्ली में, अगर उनमें बदलाव होता है तो क्या आप उन्हें समर्थन करेंगे? मुझे नहीं लगता कि टिकटों में कोई बदलाव होगा, मुझे नहीं लगता है।